लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी के साथ बैकिंग में भाजपा अपने सांसदों को उतार रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैकिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप की। प्रधानमंत्री जी के बारे में इसका मतलब आप मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं, यही है ना। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा में एक शब्दों का इस्तेमाल, एक नहीं कई शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी द्वारा किया जाता है। रमेश बिदूड़ी यहां पर अल्पसंख्यक सांसद, यहां पर BSP के सांसद दानिश अली को कई गालियां देते हैं, यहां पर आतंकवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, मुल्ला कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो रमेश बिदूड़ी ना तो माफी मांगने को तैयार है और ना ही अपने बयान से पलटने को तैयार है। ऐसे में देखा जाए तो दानिश अली पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर दानिश अली ने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन लोकसभा में वहाँ पर उनको नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ रमेश बिदूड़ी को देखा गया। यहाँ पर यह निशाना साधा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों में से कई ऐसे सांसद नेता निकलकर सामने आए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर समुदाय के नाम पर हमला किया। लेकिन बात तो यहाँ पर आ जाती है कि लोकसभा से इस वीडियो को डिलीट क्यों कर दिया गया। अगर वाकई यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि रमेश बिदूड़ी ने कोई गलत नहीं किया है तो लोकसभा से वो वीडियो डिलीट भी नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष ओम बिरला को कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए, चाहे दोनों के खिलाफ लें, लेकिन कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता है। तो ऐसे में देखा जाए तो तमाम तरीके से सवाल रमेश बिदूड़ी पर खड़े हो रहे हैं और रमेश बिदूड़ी को बचाने का काम उनकी ही पार्टी करती भी नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच यहां पर जो मायावती के सांसद हैं दानिश अली, वो कई मीडिया कर्मियों को अपना बयान भी दे रहे हैं, यहां पर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में दानिश अली ने एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि यहाँ पर जो निशिकांत दुबे हैं उन्होंने बड़ा आरोप दानिश अली पर लगाया और उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी कि यहाँ पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो ऐसे में चिट्ठी लिखकर बताया है कि उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। उसके बिहाफ में यहाँ पर दानिश अली क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पलटवार करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। आचरण है जैसा कि बाहर आप करते हैं, आपके संगठन के रोज लोग रोज करते हैं कि लोगों को प्रवोक करते हैं, और जब उधर से कोई प्रतिक्रिया आ जाती है तो फिर गोदी मीडिया के माध्यम से, अपने IT सेल के माध्यम से आप जो है उसको चलवाते हो कि देखो ये तो ऐसा हो रहा था। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन है, जनता ने हमें चुन करके भेजा है इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश के आम आदमी गरीब मजलूम की रक्षा करने के लिए। आपका चरित्र, आपका चेहरा, आपकी सोच लोकसभा के पटल पर, अभी तक तो ये था कि वो सिर्फ रमेश बिदूड़ी की सोच थी, लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी के साथ बैकिंग में भाजपा अपने सांसदों को उतार रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैकिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप की। और मैं तो सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को लिखूं, गृह मंत्री को लिखूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बाहर भी धमकी देने की बात कही है कि यहां तो है ही है, बाहर भी देखूंगा। और फिर ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसका मतलब आप मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं, यही है ना। इसके अलावा तो कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो मांग करूंगा, मैं तो अनुरोध करूंगा आदरणीय स्पीकर लोकसभा महोदय से कि जो ये मेरे ऊपर आरोप लगाए, जो ये पत्र लिखा है निशिकांत दुबे ने, उसकी जांच करें, बिल्कुल अच्छे से जांच करें। ये क्या हो रहा है इस देश में,
यू कांट कन्विंस, दैट्स व्हाई यू वांट टू कंफ्यूज द होल नैरेटिव। आज सर एक और सांसद है बीजेपी के रवि किशन, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, आपको सीरियल ऑफेंडर बताया। उन्होंने कहा कि जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सदन में बहस हो रही थी तो आपने पर्सनल कमेंट किए रवि किशन को लेकर, तो ये आपकी आदत है, आप अक्सर संसद में जब डिबेट होती है तो कुछ ऐसी बात करते हैं कि दूसरे सांसद जो है प्रमुख हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। मैंने भी देखा है कि जिन बीजेपी के सांसद महोदय पर, जिन पर रेसलर्स को के साथ बदसुलूकी करने का केस दर्ज है, शायद कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है, प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हाँ वो दोषी हैं, उन्होंने कल ये कहा है मेरे बारे में कि मैं लगातार जब प्रधानमंत्री बोलते हैं या कोई केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री बोलते हैं तो मैं टोका टाकी करता हूं। टोका टाकी नहीं, जब भाजपा का कोई सांसद, कोई मंत्री या इवन प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो सही नहीं है, जो हाउस को मिसलीड करने वाली है, तो मैं उस पर जरूर खड़े होकर के अपना पॉइंट नोट कराता हूं चेयर की परमिशन से। जब सीएए एनआरसी पर गृहमंत्री जी बोल रहे थे तो मैं उस वक्त खड़ा हुआ, जब उन्होंने कहा कि इतने हिंदू पाकिस्तान में थे आज इतने रह गए, तो मैंने कहा साहब आप पहली बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप दूसरी भी कहिए कि वो ईस्ट पाकिस्तान में थे जो आज बांग्लादेश बन गया है, तो आप जो है ये नैरेटिव सेट बदलें। मैंने परसों महिला आरक्षण बिल जिस दिन डिस्कस हो रहा था, जब गृहमंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पहली बार देवेगौड़ा जी की सरकार ने, देवेगौड़ा जी ने इंट्रोड्यूस किया 96 में, कांग्रेस उस वक्त विपक्ष में थी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने चेयर को कहा, मैंने क्या अध्यक्ष महोदय माननीय गृहमंत्री जी बोल रहे हैं, मैं सही दुरुस्त करना चाहता हूं रिकॉर्ड पे, क्योंकि पूरा देश देख रहा है और इसको हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि रिकॉर्ड पे देश के गृहमंत्री ने क्या कहा। मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत के बोल रहे हैं, देवेगौड़ा जी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और वो सरकार कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार थी। माननीय गृहमंत्री जी ने फिर अपने आप को दुरुस्त किया, उन्होंने माना कि हां मैं ठीक कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि मैं कोई बात जो मंत्री लोग, जो भाजपा के सांसद लोग अगर गलत बोल रहे हैं, उसको एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन होने के नाते, जिसको जिसका संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे अधिकार है, तो मैं उसका उपयोग करता हूं। आप मेरे मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकते, पार्लियामेंट में मैं आया काहे के लिए हूं, पार्लियामेंट में इसीलिए आया हूं ना। आप तो एक तरफा करना, बैटिंग करना चाहते हैं ना कि बस आप बोले और दूसरा सुने, आप गलती करेंगे तो हम जैसा पार्लियामेंटेरियन जरूर खड़ा होकर के उसको दुरुस्त करने की बात करेगा। ये जब लोकसभा में रमेश बिदूड़ी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में, जैसे कि आपने दानिश अली को सुना, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि अब मॉब लिंचिंग होने के लिए तैयार है, क्योंकि संसद के बाहर इस तरीके की हरकतें होती हुई नजर आ रही हैं। रमेश बिदूड़ी ने तो मुझ पर आरोप लगाए हैं, मुझे अपशब्द कहे, मुझे गालियां कही, और यहां पर सीधे तौर पर समुदाय के नाम पर तो हमला किया, लेकिन केंद्र सरकार के तमाम और सांसद मेरे खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि कि यहां पर रमेश बिदूड़ी को यहां पर सबक सिखाना चाहिए, यहां पर उन्हें सिखाना चाहिए कि बकायदा आप माफी मांगिए, आपने गलती की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और दानिश अली के खिलाफ ही चिट्ठी लिख दी जाती है। इसी को लेकर यहां पर दानिश अली ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।